हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ जोशी, जो कि इंडिया की नंबर वन ब्लॉगर है, हिंदी ब्लॉगर, तो उनके बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गो। सौरभ जोशी जो है इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर है, तो अभी उनका जो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं वो है 92 पॉइंट समथिंग, सो यानी कि 9 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो इतने सारे उनके फॉलो, जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो वो हर रोज़ वीडियो डालते हैं, डेली ब्लॉगर हैं, तो उनका जो ब्लॉग है वो डेली ब्लॉग है, सिंपल है। बस उनका डेट स्टार्ट होता है 8 बजे से, तो बस वो जो जो करते जाते हैं वो अपने वीडियो में वो शूट करते हैं। तो इतने बड़े यूट्यूबर होने के बावजूद भी उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई दिखावट नहीं है, कोई शो अप नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। हम लोगों को अगर छोटा सा सक्सेस मिल जाता है तो हम लोग बहुत सारा एटीट्यूड मेंटेन करते हैं। तो इतना सक्सेस होने के बावजूद कि इतना उन्हें सक्सेस मिलने के बावजूद ही उनके अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं है, वो सिंपल है। सिर्फ 23 ईयर्स ओल्ड की है वो, तो 23 साल की उम्र में उन्हें इतना बड़ा सक्सेस मिला, तो उनके लिए तो वह बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा लगा कि कोई ये सपना, बहुत बड़ा सपना उनका सच हो गया। तो मैं भी उनकी एक फॉलोअर्स हूँ, मैं भी एक सब्सक्राइबर हूँ, मैं भी बहुत दिनों से उन्हें देखती हूँ। तो पसंद आता है कि जीरो से लेके वो हीरो बन गए। तो एक दिन था जब वो अपने 1K सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसके बाद देखे थे 100K उन्होंने सेलिब्रेशन किया। तो देखते ही देखते उनका अभी 9 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं कुछ ही दिनों में। उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो है सिर्फ 1 महीने में, यानी कि 30 दिन में ही कम्प्लीट हुआ था। तो सोचिए, वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर वो भी 30 दिन में, तो इतना बड़ा सक्सेस उन्हें इतना जल्दी मिल गया। सिर्फ 1-1.5 साल में ही उनका जो है 0 से लेकर 9 मिलियन तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा सक्सेस उन्हें मिला है। तो हर कोई यूट्यूबर उन्हें जानता है, छोटा हो या बड़ा यूट्यूबर, हर कोई उन्हें देखता है। इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा सक्सेस उन्हें यूट्यूब से मिला है, ये उनका मेहनत है, ये नहीं कि यूट्यूब ने उनका बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। क्योंकि इससे पहले वो क्या करते, आर्ट करते थे। तो यूट्यूबर आने से पहले वो इंस्टाग्राम पर एंड सोशल मीडिया साइट और फेसबुक पर वो अपलोड करते थे, इंस्टा का रील बनाते थे। तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स उनके थे, तो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बस उनका एक फ्रेंड है जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब पर आए, तो यूट्यूब पर भी वीडियो बनाए। तो पहले तो वो बोलते थे कि बस उनकी बात सुनकर वो टाल देते थे, हाँ देखेंगे। फिर बाद में उन्होंने सोचा, 2-3 बार जब फ्रेंड ने उन्हें इंसिस्ट किया कि यूट्यूब वीडियो बनाए, यूट्यूब पर आए, तो फिर उन्होंने सोचा यूट्यूब पर आने के लिए। तो बस देखते ही देखते 0 से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर 9 मिलियन, अभी तो हीरो है वो। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत क्या बताऊँ, बहुत सिंपल है उनका लाइफस्टाइल। तो बस कुछ दिन पहले वो अपने पापा की बाइक पर जहाँ भी जाते घूमने, तो अपने पापा के बाइक पर बैठ कर जाते थे। अभी उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है। भी चीज़ मन से करो तो वो सक्सेस मिल जाता है बहुत जल्दी। तो वो हर चीज़ मन से करते हैं एंड बहुत सिंपल भी है, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है। ऐसा नहीं कि वो इतना फॉलोअर्स होने के बावजूद वो बहुत एटीट्यूड मेंटेन करते हैं। जिन भी लोगों से मिलते हैं, जिन भी सब्सक्राइबर से वो मिलते हैं, बहुत ही काम एंड क्वाइट टाइप का वो है। तो सभी को पसंद आते हैं, सभी उन्हें देखते हैं, छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़े यूट्यूबर, सभी के मुँह में उनका नाम होता है। तो सौरभ जोशी उनका नाम ही उनका पहचान है, उनका नाम ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है उनके लिए। तो बस उनके कुछ फ्रेंड सर्कल है जो बहुत ही छोटे छोटे यूट्यूबर है, तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना। इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा सक्सेस शायद सबको लक में नहीं होता है। दिन वो डेली ब्लॉगर है, इसलिए तो सुबह 8 बजे वो अपना वीडियो अपलोड करते हैं। तो सोचिए, जिस दिन वो टायर्ड हो जाते हैं, जिस दिन वो रात को एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, तो सुबह 4 बजे उठ के अपना वीडियो एडिट करते हैं। तो ये उनका जो मेहनत है वो रंग लाया, तो इसीलिए आज उनके पास 9 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। हमेशा वो फैमिली वीडियो ही शूट करते हैं, हमेशा हर वीडियो में दिखाते हैं कि जब भी घर से निकलते हैं अपनी माँ को
प्रणाम करके ही जाते हैं। तो अच्छा लगता है उनकी एटीट्यूड देखने में, बहुत ही सिंपल उनका लाइफस्टाइल है, खाना पीना को लेकर, रहने को लेकर वो हमेशा वो शो करते हैं, वो जैसा शो करते हैं ऐसा ही उनका लाइफस्टाइल है, उसमें कोई शो ऑफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।